बड़ी प्रसन्नता है कि राम जन्मभूमि और राम मंदिर का मसला तो बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और हो ही गया। सब लोगों का इसमें श्रेय रहा, संतों का, समाज का और विशेषकर सरकार का। अब आवश्यकता है कि जो कार्य सरकार ने किया है बड़ी विनम्रता पूर्वक, उसको हम सही तरीके से कैसे सनातन धर्म को पूरे देश में, हम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सनातन धर्म की भावना को उत्पन्न कर दें। आज ऐसा माहौल बना है, ऐसा एक समाज के अंदर भावना जागृत हुई है कि सभी लोग हमारे सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं। अब हम उन सबको अपने वेद के ज्ञान के द्वारा, अपने सनातन धर्म की मर्यादा और सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उनको अवगत कराएं कि ये पूरा देश पहले भी सनातनी था, बीच में आप भटक गए, अलग हो गए, अब ये फिर दोबारा सनातन धर्म को मजबूत करने का समय आया है और आप एक साथ जुट करके कार्य करें। इसमें जगह जगह जाकर के हमको अपनी भावनाओं को प्रकट करना है। इसमें बहुत बड़ा योगदान एकल विद्यालय का हम लोग देख रहे हैं। एकल विद्यालय 20,000 स्कूल चला रहा है, जहां पर कोई व्यक्ति पहुंच नहीं सकता, वहां पर सनातन धर्म का प्रचार यदि कोई कर रहा है तो वो हमारे संस्कारों का जो प्रचार कर रहा है वो एकल विद्यालय है। 91,000 स्कूल हमारे एकल विद्यालय के माध्यम से चल रहे हैं। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको शिक्षा सनातन धर्म की और सनातन धर्म के संस्कार एकल विद्यालय के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि सभी संत ये संकल्प ले लें कि जो व्यक्ति अब हमारे सनातन धर्म के प्रति उनके मन में एक अच्छा भाव पैदा हो रहा है, जो विरोध करते थे कल तक मोदी जी का, अमित शाह का, जनता भारतीय जनता पार्टी का, आज वो सभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए यदि हम उनको अपने सनातन धर्म की परंपरा से जोड़ें तो मुझे विश्वास है कि हमारा देश पहले जिस प्रकार सनातनी था, फिर उसी प्रकार सभी पंथ खत्म होकर के सब एकजुट होकर के सनातनी में कन्वर्ट हो जाएगा, सनातनी बन जाएगा। उसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एकल विद्यालय के माध्यम से, एकल विद्यालय के माध्यम से एक कथा का आयोजन अभी रखा है दिल्ली में 15 से 22 सितंबर तक। उस कथा में भी सभी संत महापुरुषों को आमंत्रित किया है, 1,00,000 स्कूल पूरे कर देंगे। और इसमें हम सनातन धर्म को ध्यान में रखते हुए 1,00,000 स्कूलों का संकल्प पूर्ण कर देंगे। और उस 1,00,000 स्कूलों के संकल्प से हमारे समस्त भारत के अंदर सनातन धर्म की जो एक विशेष जागृति होगी, उससे धर्मांतरण भी रुकेगा और हमारा धर्म भी मजबूत होगा, जिस पर आज कार्य करने की विशेष आवश्यकता है। राम जन्मभूमि तो बनी जाएगी क्योंकि सरकार ने कदम उठाया है। राम जन्मभूमि के विषय में सब चिंता करने का अब किसी को कोई विषय नहीं है। अब तो विषय है कि सनातन धर्म का प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ जाए और हमारा सनातन धर्म पूर्ण रूप से मजबूत हो करके हमारा जो हिंदुस्तान की जो पहचान है सनातन धर्म की, वो पूर्ण रूप से फिर विराजमान हो जाए। ये मैं सभी संतों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। धर्मांतरण को रोकते हुए सनातन को मजबूत करने की आवश्यकता है, सभी इसमें कार्य करें। इसके साथ कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। उनके बाजू में विराजमान हमारे संत जगत के भीष्म पितामह हरिद्वार से पधारे परम पूज्य महाराज श्री, निर्मल खारे के परम पूज्य महाराज श्री और अखिल भारतीय संत समिति के समस्त
पदाधिकारी गण, विश्व हिंदू परिषद के आदरणीय दिनेश जी भाई साहब, चंपत जी भाई साहब से लेकर समस्त पदाधिकारी गण, परम पूज्य संत वृंद, आप सभी के श्री चरणों मेरा सादर वंदन। मैं सर्वप्रथम इस पावन मंच से केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। विगत 70 वर्षों से चल रहे हमारे कश्मीर को उन्होंने हमें प्राप्त करा दिया। हमारे दोनों महापुरुष जो केंद्र में स्थापित हैं और संतों की कृपा से पहुंचे हैं, मैंने 19 और 20 जून के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में हरिद्वार में निवेदन किया था कि सभी संत खूब भजन पूजन करें और अपने उस भजन पूजन का पूरा पुण्य हमारी केंद्र सरकार को दें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे केंद्र में बैठे हुए ये महामानव हमारी समस्त समस्याओं का समाधान कर देंगे। 370 धारा खत्म हुई, देश में एक विशेष वातावरण तैयार हुआ, विशेष पर्यावरण में हम लोग जीने लग गए। कश्मीर यहाँ से बहुत दूर है, सामान्य रूप से हम देखें, भौतिक जीवन के हिसाब से देखें तो कश्मीर से हमको क्या लेना देना है, लेकिन हम भारतीय हैं, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। हमारा कश्मीर, हमें प्राप्त हुआ कश्मीरी लोग जो वहाँ पर बैठे हुए कुछ अंगुल्य गणित लोग हैं, अलगाववादी लोग हैं, वो हमारे कश्मीर को हमसे छीनकर पाकिस्तान की ओर ले जा करके देना चाहते थे, लेकिन हमारे गृहमंत्री जी ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया और आज हमारी जो तमाम समस्याएं हैं उनमें जो प्रमुख समस्या 370 धारा थी वह खत्म हुई। मैं सभी संतों के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि सभी संत जिनको परमात्मा ने शक्ति और सामर्थ्य दी है, वह सभी संत कश्मीर में जाकर कम से कम अमरनाथ की यात्रा में जो जो स्थल हैं वहाँ पर दो दो चार चार दस दस कमरे का एक एक भूखंड जरूर खरीदें, ताकि हम लोग कश्मीर में जाने वाले यात्रियों को व्यवस्था दे सकें। जब हम लोग वहाँ जा करके रहेंगे तो कश्मीर में फिर से कोई समस्या नहीं होगी। संत समिति तो खरीदेगी। मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है कि जिस तरह से श्रीधाम अयोध्या में, श्रीधाम वृंदावन में और हरिद्वार में जो आश्रम हमारे और आपके बने हुए हैं, इस तरह से हम लोग एक श्रीधाम वहाँ भी बना करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। मैं बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे परम पूज महामंडलेश्वर ज्योतिर्मान जी ने कहा है कि जब प्लाटिंग हो तो पहला प्लाट मेरा वहाँ पर बुक करा दीजिएगा, दूसरा नंबर हमारा दीजिए। बहुत अच्छी बात है परम पूज्य संतो। मैं एक निवेदन करूं, श्री राम जन्मभूमि पर इस समय नित्य बहस हो रही है और मैं आप सबके चरणों में एक निवेदन करना चाहूंगा, यही वही सुप्रीम कोर्ट है और वही माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं जिन्होंने केवल 3 मिनट में, उनके पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश जी थे उन्होंने नियमित सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश को परे करके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जी ने हमारी फाइल को 3 मिनट में साइड कर दिया था। वही मुख्य न्यायाधीश हैं। मैं सभी संतों के चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अपनी तपस्या का जो फल मैंने निवेदन किया था 19-20 जून के बैठक में कि आप सभी लोग अपने तप का फल सुप्रीम कोर्ट की तरफ भेजें, हमारे और आपके तप के फल के कारण न्यायाधीशों की बुद्धि शुद्ध हो और बुद्धि शुद्ध हो करके हमारे पक्ष में फैसला मिले। अभी हमको फैसला मिला नहीं है, लेकिन
अभी जो वातावरण निर्मित हुआ है, जो पर्यावरण निर्मित हुआ है, उससे लगता है कि हम जल्दी ही रामलला के दर्शन उनके श्री मंदिर में कर सकेंगे। साथ ही एक और निवेदन करूँ, ये निर्णय बहुत जल्दी आने वाला है और संभवतः भगवान राम की कृपा होगी तो हमारे पक्ष में ही आएगा ये राम जन्मभूमि का जो निर्णय आएगा। उसके बाद हम और आप सभी संत एक संकल्प जरूर दोहराते रहें कि उस भव्य राम मंदिर का निर्माण राम जन्मभूमि न्यास के अंतर्गत ही हो, राम जन्मभूमि न्यास ही बनावे, हमारे राम मंदिर को बनावे। क्योंकि तमाम क्या कहूं, विधर्मी शक्तियां तो नहीं कह सकते, तमाम शक्तियां महाशक्तियां राम मंदिर को बनाने के लिए खड़ी हैं। हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे। मैं एक और निवेदन करूं, आज का जो वातावरण, आज का जो पर्यावरण बना है वो क्यों बना है, मुझे लगता है आप सबके आशीर्वाद से बना है। और धारा 370 पर हमारे मोटा भाई ने जो एक संकल्प लिया है 370 धारा को खत्म करने की जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है, उससे भारतवर्ष की का पर्यावरण बदला है। और उसके कारण आज मुझे ऐसा लगता है कि जितनी विरोधी शक्तियां थी हमारी, धीरे धीरे, अरे मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं पूज्य संतों, एक दिन ऐसा था जब हम केंद्र में नहीं थे, हम प्रांत में नहीं थे, तब हम उत्तर प्रदेश में रह करके हमें ऐसा लगता था कि हमें उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत छोड़ देना पड़ेगा, ऐसा विषम वातावरण था। लेकिन आज वातावरण बहुत सुरम्य बना है, भगवान कृपा करेंगे अतिशीघ्र, जैसा कि हमारे माननीय चंपत राय जी ने कहा कि अतिशीघ्र निर्णय हमारे पक्ष में आने वाला है, हमारे पक्ष में निर्णय आए और हम लोग हर्षोल्लास के साथ राम जन्मभूमि न्यास के अंतर्गत भगवान राम के मंदिर का निर्माण प्रारंभ करें। उसके बाद पूज्य संतों के चरणों में मेरा विनम्र और बहुत चिंताजनक, जो मुझे लगता है 2-3 संतों ने उस बिंदु को और छुआ था, जिस तरह से हम विगत सैकड़ों वर्षों से राम जन्मभूमि के लिए लगे हुए हैं, मुझे लगता है जब हम तोलन करेंगे तो राम जन्मभूमि आंदोलन से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। हमारे भारतवर्षीय विषम परिस्थिति है, एक बड़ी विकट समस्या है और वह समस्या है समान नागरिक संहिता। इसके बाद मुझे लगता है कि हमें बड़ी दमदारी के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारी अखिल भारतीय संत समिति को, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक साथ मिलकर समान नागरिक संहिता के लिए एक मंच से मांग करनी चाहिए, जो अत्यंत आवश्यक है। हम राम जन्मभूमि प्राप्त करें, समान नागरिक संहिता प्राप्त करें, समान नागरिक संहिता जो हमारे भारतवर्ष में कानून बन जाएगी, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके बाद की जो समस्याएं हैं वो हत्याबंदी कानून आदि तमाम समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं को हम लोग फिर से बैठ करके सुलझा लेंगे। लेकिन राम जन्मभूमि के बाद पहला मुद्दा बने तो हमारा समान नागरिक संहिता बने, इतना ही निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।